हेलो एवरीवन गुड इवनिंग एंड वेलकम टू डिफेंस अड्डा आज की ये क्लास जो है एक रिकॉर्डेड uh, सेशन रहेगा बट डोंट वरी ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क आई हैव टू गो यूपी सो डोंट वरी अबाउट दैट टेंशन नहीं लेनी किसी को भी क्लास में मजा पूरा आएगा मैं नहीं चाहता था कि कोई लॉस हो आपका कहीं से कहीं तक सो दैट्स वाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन राइट सो लेट स्टार्ट विद द सीरीज एट तो भाई इंडिपेंडेंस डे आ रहा है पंद्रह अगस्त स्पेशल आजादी महोत्सव मनाएगा हमारे साथ लाइव क्विज कंपटीशन होगा आप सभी को लाइव ज्वाइन करना है एक्साइटिंग प्राइजेस हैं विनर्स के लिए तो रहेगा है, ठीक है जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप लोग वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो एक बार कमेंट करके प्लीज मुझे बता दीजिएगा मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सभी तक हां या ना ठीक है सो लेट स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द एमसीक्यू बूस्टर बैच है भाई अभी भी टाइम है अगर किसी को ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं अभी ज्यादा से ज्यादा दो तीन क्लासेस हुई है इसकी ठीक है ये सिर्फ बूस्टर बैच है एमसीक्यू बैच है इसमें सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाए जाते हैं सभी हर सब्जेक्ट के रीजनिंग इंग्लिश साइंस जीएस मैथ्स और जीएस छह फैकल्टीज मिलकर इसकी क्लासेस ले रहे हैं और इसका प्राइस जो है फोर थाउजेंड रुपीज बट वेन यू यूज द कोड द मैजिकल कोड वाई टू जीरो हंड्रेड नाइनटीन पॉइंट सेवन सेवन ओके सो जस्ट यूज द कोड वाई टू जीरो टू यहां पर लिखा हुआ है सभी लोग इसका विशेष ध्यान दें वंस अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल प्लीज Remember this code, this will give you maximum discount on other 24-7 application. Right? So uh, next, uh, this is the first question. In a village, there are 700 males, 500 females, and 800 children. If due to epidemic, there are two kinds of words: the one is pandemic and the other is epidemic. Pandemic jo abhi COVID. Tha na, this is the pandemic because all over the world. Tha ज्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया में ये चीज हो रही थी पूरी दुनिया में ये समस्या फैली हुई थी बट बट जब आप बात करते हैं एपिडेमिक 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 की सो क्या होता है दैट एक पर्टिकुलर प्लेस पर फैली हुई बीमारी लाइक like, अगर मान लीजिए कोई बीमारी जो है वो सिर्फ दिल्ली में फैल रही है और कहीं बाहर नहीं फैल रही है तो दैट इज कॉल्ड द एपिडेमिक नॉट द पेंडेमिक राइट मैं दो वर्ड्स इसलिए बताए इंपॉर्टेंट है आपके इंग्लिश में भी आ सकते हैं इंग्लिश में पूछे जा सकते हैं दैट्स आई एम टेलिंग दिस टू यू ओके so here how many males are there how many females are there and how many children are there so the first 700 males 500 females and 800 children are there okay so due to epidemic 20% males 40% females and 10% children are died मर गए। कितना कितना है। है? तो हम सीधा safe की बात कर लेते हैं हैं 20% males जो डाइड है, हुए हैं तो 80 परसेंट आई कैन सेफ होंगे 40% परसेंट फीमेल्स यानी कि 60% परसेंट फीमेल्स बिल्कुल सेफ है 10 children's, यानि कि परसेंट चिल्ड्रंस क्या है सेफ है मैं यहां से कह सकता हूं सात का अस्सी परसेंट निकालूंगा 560 आ जाएगा 500 का 60 परसेंट निकालूंगा 300 आ जाएगा और 800 का 90 परसेंट निकालूंगा कितना हो जाएगा 720 तो टोटल ये हो जाएंगे और सभी को जब मैं एड ऑन करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा देखो इसको ऐड करता हूं इसके साथ एक आ जाएगा एक हो जाएगा और पांच और हो जाएगा तो पंद्रह हो जाएगा पंद्रह आर सेफ कितने में से आठ पांच तेरह और दो हजार में से दो हजार में से इतने लोग सेफ हैं उसका परसेंटेज निकालना है मल्टीप्लाई कर देते हैं तीन जीरो यहां से गए तीन जीरो यहां से जाएंगे ये आ जाएगा सेवेंटी परसेंट पॉपुलेशन आर सेफ पॉपुलेशन कैसी पॉपुलेशन है सेफ है कितनी पॉपुलेशन बोलो कितनी पॉपुलेशन सेफ है तो पॉपुलेशन सेवेंटी नाइन परसेंट पॉपुलेशन इज सेफ नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा ये क्वेश्चन तो मैं कई बार करवा चुका हूं चार तरीके के क्वेश्चन में हमेशा इसमें करवाता हूं है ना हमेशा तो मैं बता दूंगा चारों आप चाहो तो चारों कर सकते हो बट ड्यू टू इंक्रीज ऑफ फिफ्टी परसेंट इन द प्राइस ऑफ एग्स फोर एग्स लेस आर अवेलेबल फॉर ट्वेंटी फोर या तो चौबीस का पचास परसेंट यानी कि बारह रुपए आप एक्स्ट्रा दो बारह रुपए आप एक्स्ट्रा दो बट आपके पास बारह रुपए एक्स्ट्रा नहीं है तो इसीलिए आपको चार अंडे फोर एग्स जो है वो लेस मिलेंगे कम मिलेंगे यानी कि चार अंडे आप लोगों को कम मिल रहे हैं किसमें किसमें बोलो कितने रुपए में बारह रुपए की वजह से तो बताओ एक एग का प्राइस कितना होगा तीन रुपए बट यहां पर कितने पूछा है प्रेजेंट रेट ऑफ एग्स पर डजन पर डजन का मतलब बारह एग्स के बारे में पूछा है तो बारह का मल्टीप्लाई कर देता हूं यानी कितना आ जाएगा छत्तीस रुपए हमारा आंसर होगा थर्टी सिक्स रुपीज थर्टी सिक्स रुपीज पर डजन विल बी अवर आंसर ठीक है ये आपका करेक्ट आंसर होगा ओके लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन अमित हैड अ सर्टेन अमाउंट विद हिम अमित के पास कुछ निश्चित पैसा है उसके पास ही स्पेंट ट्वेंटी परसेंट उसने उसका बीस परसेंट जो है खर्च कर दिया टू दैट ऑफ दैट टू बाय खरीदने के लिए अ कार एक कार फाइव परसेंट ऑफ द रिमेनिंग ऑन मेंटेनेंस ऑफ अ बाइक 5% जो बचा हुआ था उसका उसने बाइक खरीदने के लिए देन ही गिफ्टेड 120 रुपीस और किसी को बाइक लाने की खुशी में 120 रुपए गिफ्ट कर दिए ही इज लेफ्ट विद रुपीस 1400 अब उसके पास 1400 रुपए बचे, कितने बचे, है? 1400 बचे हैं कितने बचे हैं 1400 रुपए उसके पास बचे हुए हैं कितने 1400 रुपीस आर रिमेनिंग विद है देन फाइंड द टोटल अमाउंट तो बताइए उसका टोटल अमाउंट कितना होगा फाइंड द टोटल अमाउंट तो बताइए उसका टोटल अमाउंट कितना होगा देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है हम यहाँ पर अमित के पास 20% उस मान लीजिए x रुपीस थे उसका 20% उसने कार खरीदने के लिए यूज कर लिए तो कितना बचा 80% उसके पास बचा है अब जो बचा था उसका भी 5% उसने खर्च कर दिया अपनी बाइक की मेंटेनेंस पर यानी कि मैं कह सकता हूं तो जो बचा था उसका 5% खर्च कर दिया तो उसका 95% उसके पास रिमेनिंग है 95% इज रिमेनिंग अब जितना भी उसके पास बचा था उसमें से एक सौ बीस रुपए उसने दान कर दिए एंड देन आफ्टर ही लेफ्ट विद रुपीज 1400. इसको इधर एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं 4 by 5 हो जाएगा, और कितना हंड्रेड 100, और हंड्रेड 100 का जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी टू थाउजेंड रुपीज आ जाएगी एंड दैट विल बी योर करेक्ट आंसर तो उसके पास कितना पैसा था टोटल दो हजार रुपए थे कितने थे दो हजार रुपए यानी कि टू थाउजेंड इज लेफ्ट विद हिम ओके मतलब टोटल 2000 थाउजेंड इज देयर विद हिम कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन अंकुर पेस 30 परसेंट टैक्स ऑन इनकम टैक्स 30 परसेंट इनकम टैक्स देता है एंड ऑन दिस टैक्स और इस टैक्स पर भी ही हैज टू पे अर ऑफ 10 परसेंट अरे वाह मतलब मान लो सौ रुपए वो कमाता है तीस परसेंट वो टैक्स देता है तीस क्या देता है टैक्स देता है तो तीस रुपए टैक्स देता है है ना अब कहता है इस टैक्स के ऊपर भी उसको दस परसेंट का सरचार्ज देना होता है यानी कि तीन रुपए और देने पड़ते हैं तो अब एक बात बताओ सौ कमाने के बाद तीस रुपए और तीस रुपए और 30 और, और दिए तो टोटल कितने रुपए टैक्स के तौर पर दे रहा है तैतीस रुपए दे रखा है कितने थर्टी थ्री रुपीज वो टैक्स के तौर पर दे रहा है दस द नेट टैक्स रेट ही हैज टू पे तो नेट तो उसका कितना जा रहा है थर्टी थ्री परसेंट टैक्स दे रहा है वो कितना दे रहा है 33% थ्री परसेंट टैक्स दे रहा है राइट सो थर्टी थ्री परसेंट हमें यहां पर टैक्सेबल बन रहा है चलिए नेक्स्ट अगले सवाल पर आगे बढ़ेंगे अगला सवाल ये रहा जल्दी से ट्राई करो सभी लोग फटाफट हाँ भाई हुआ बोलो फटाफट फड़ जल्दी बताओ कितना आंसर आया सभी लोगों का भाई कमेंट जरूर करा करो करो आंसर बताया यार इनकम्प्लीट है एनुअल इंक्रीमेंट दे रखा है प्रेजेंट पॉपुलेशन ये दे रखा है तो आगे पूछा कुछ नहीं है यार क्वेश्चन इनकम्प्लीट है सॉरी लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन फटाफट जल्दी से बताइए इसका <coughs> देखो कहता है जो है, वो फीमेल्स हैं. यानी कि फीमेल्स की बात करते हैं फीमेल्स और मेल्स की बात करते हैं वन फिफ्थ फीमेल्स हैं यानी कि एक फीमेल है कितने में से में से टोटल पांच है उसमें से एक फीमेल है तो चार क्या होंगे मेल्स होंगे हम इसको हंड्रेड बोलते हैं इसको भी हंड्रेड बोलते हैं क्या दिक्कत है कोई प्रॉब्लम नहीं है फाइव परसेंट ऑफ मेल्स एंड फोर्टी परसेंट ऑफ परसेंटेज ऑन द होल आर एजुकेटेड तो देखो फाइव परसेंट मेल्स एजुकेटेड है एंड फोर्टी परसेंट फीमेल्स एजुकेटेड है फोर्टी का मतलब चालीस लोग यहाँ एजुकेटेड है और चार सौ का पांच परसेंट निकालोगे यानी कि बीस लोग यहाँ एजुकेटेड है बीस लोग यहाँ एजुकेटेड है टोटल कितने लोग एजुकेटेड हो गए साठ लोग कितने में से 500 में से 60 लोग एजुकेटेड हो गए तो हमारे पास यहां से आंसर कितना बन जाएगा 12% परसेंट आंसर बनेगा कितना बनेगा 12% परसेंट हमारा करेक्ट आंसर बनेगा राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन निकालते हैं फटाफट ठीक है फड़ा भाई बताइए हो गया बाई सेलिंग अ टेबल फॉर रुपीज थ्री फिफ्टी इंस्टेड ऑफ फोर हंड्रेड बाई साढ़े तीन सौ के बजाय आप चार सौ का अगर बेचते हो लॉस परसेंट जो है इंक्रीज कर जाता है पांच परसेंट मतलब चार सौ के बजाय साढ़े तीन सौ का बेचते हो चार सौ का बेचते तो कोई दिक्कत नहीं है आपने बेचा कितने का साढ़े तीन सौ का यानी कि पचास रुपए आपने कम करे जैसे ही आपका पांच परसेंट का लॉस एक्स्ट्रा हो गया तो पांच परसेंट की वैल्यू पचास एक परसेंट की वैल्यू दस कॉस्ट प्राइस हंड्रेड परसेंट होता है अगले सवाल पर चलते हैं फिर दोबारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं फास्ट थोड़ा सा चलेंगे ठीक है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कर पाए आज के जितने भी हों सारे कर पाए ताकि तुम लोगों को ऐसा ना लगे कि क्लास छोटी हुई लेकिन फिर भी हमने काफी कुछ कंप्लीट कर लिया है राइट सो आई होप समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को चलिए एन इंक्रीज ऑफ रुपीज थ्री तीन रुपए इन द सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस में तीन रुपए बढ़ने पर आर्टिकल का जो लॉस है साढ़े सात परसेंट का लॉस था वो गेन में बदल गया समझो ये है कॉस्ट प्राइस लॉस में चल रही है गाड़ी साढ़े सात परसेंट लेकिन तीन रुपए जैसे ही मिले तीन रुपए मिले वो गाड़ी प्रॉफिट में आ गई कितने साढ़े सात परसेंट के प्रॉफिट में यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये तीन रुपए टोटल कितने के बराबर है पंद्रह परसेंट के परसेंट के पंद्रह परसेंट की वैल्यू कितनी होगी थ्री एक परसेंट की वैल्यूगी बीस आर्टिकल का प्राइस है कितना है बीस रुपए उस आर्टिकल का प्राइस है ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड किसी uh, आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो डबल कर दिया जाता है देन इट्स लॉस परसेंट इज कन्वर्टेड इन इक्वल प्रॉफिट परसेंट तो उसका जो लॉस परसेंट है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है इक्वल उतने ही प्रॉफिट परसेंट के में इक्वल जो है मतलब जितना पहले लॉस हो रहा था उतना ही प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है देन फाइंड द लॉस परसेंट ऑन द आर्टिकल तो बताओ उस आर्टिकल में लॉस परसेंट कितना होगा बताइए फटाफट जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए कितना होगा जल्दी सभी मैं सभी को टाइम इसलिए भी दे रहा हूं ताकि आप लोग फटाफट फटाफट पढ़ते रहो और करते रहो ठीक है ना आया किसी का कुछ चलो देखते हैं बताता हूं इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड सेलिंग प्राइस मान लीजिए कॉस्ट प्राइस हमारा था सौ रुपए देन इट्स लॉस परसेंट मतलब लॉस हो रहा था उस टाइम तो हमने कहा सेलिंग प्राइस मान लो पचहत्तर रुपए मान लेते हैं तो हमारा जो लॉस हो रहा था पच्चीस रुपए का लॉस हो रहा था सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया जाए कितना कर दिया जाए डेढ़ सौ कर दिया जाए क्या कर दिया जाए डेढ़ सो कर दिया जाए मान लो तो कहता है जो उतना ही प्रॉफिट होने लगता है क्या होने लगता है उतना ही प्रॉफिट होने लगता है अब एक बात बताओ उतना ही प्रॉफिट यानी कि अब समझना कि जितना यहां पे लॉस है हमें उतना ही प्रॉफिट कराना है जितना यहां पे लॉस है हमें उतना ही यहां पर क्या कराना है प्रॉफिट कराना है पच्चीस रुपए का ही प्रॉफिट कराना है तो उस आर्टिकल का प्राइस कितना एक सौ पच्चीस होना चाहिए बट ये इसका डबल तो नहीं हो रहा है ये उसका डबल तो नहीं हो रहा है डबल हो रहा है क्या बोलो भाई बताओ भाई पचहत्तर का डबल तो डेढ़ सौ होता है ना इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जो है डबल कर दिया जाता है तो उसका जो लॉस होता है अब हम इसे बेसिक से करते देन इट्स लॉस परसेंट इज कन्वर्टेड इनटू इक्वल प्रॉफिट परसेंट तो इसका जो लॉस परसेंट है वो कन्वर्ट हो जाता है उतने ही प्रॉफिट परसेंट पे डबल होने पर राइट right? यानी कि लॉस भी हमारा एक्स का है और प्रॉफिट भी हमारा एक्स परसेंट का है दोनों परसेंट बराबर है तो हमें यहां से क्या यूज करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस डबल हो जा रहा है तो सीपी माइनस सॉरी हाँ सीपी माइनस एस कर रहे हैं तो जो लॉस है लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दोनों बराबर है ना तो यहां से लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट को बराबर करते हैं लॉस क्या होता है लॉस अपॉन में सीपी इन टू हंड्रेड और प्रॉफिट भी वही होता है ना ये दोनों कट गए सीपी से सीपी कट जाएगा लॉस क्या रहा होगा सीपी माइनस एस पी जबकि यहां पे टू एस पी माइनस क्या रहा होगा सीपी क्योंकि प्रॉफिट यहाँ पे दो गुना हो गया मतलब डबल करने पर ना तो सीपी को एक तरफ कर लो टू सी पी हो जाएगा और इसको इधर कर लोगे तो ये थ्री एस पी हो जाएगा तो यहां से सीपी अपॉन में एसपी अगर हम निकालेंगे तो वो थ्री बाई टू हो जाएगा यानी कि तीन का खरीद कर दो का बेचा कितने का लॉस कर रहा है एक का किस पर तीन पर इंटू कितना हंड्रेड तो आपका थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट आ गया हमने बेसिक से किया हमारा आंसर आ गया ठीक है तो लॉस परसेंट ऑन आर्टिकल कितना थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट चलिए नेक्स्ट अगला सवाल अच्छा ये सीडीएस का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है भाई मतलब किसी को ज्वाइन करना हो तो कर सकता है थर्टीन हंड्रेड सेवेंटी नाइन रुपीज का है दस बजे से तीन बजे तक क्लासेस रहती है, है इसकी छब्बीस जुलाई को स्टार्ट हुआ था कोड यूज करना है आपको वाई टू जीरो टू चलिए नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा अ बुक वेंडर सोल्ड अ अ बुक एट लॉस ऑफ ट्वेंटी परसेंट एक दुकान वाले ने मान लो हंड्रेड एक्स का खरीदा है और उसके बाद वो लॉस पर बेच दे रहा है ट्वेंटी परसेंट लॉस पर यानी कि एक्स का बेच दे रहा है अगर वो एक सौ आठ रुपए ज्यादा लेता तो उसको प्रॉफिट मिलता 30 परसेंट का यहां से 30 परसेंट का प्रॉफिट अगर कमाने की बात चलेगी तो एक सौ तीस एक्स का आइटम तो का बिक रहा है मतलब पहले 80X का बिक अस्सी की पचास एक्स ज्यादा है पचास एक्स की वैल्यू एक सौ आठ एक्स की वैल्यू एक सौ आठ डिवाइडेड बाई फिफ्टी आपको कॉस्ट प्राइस चाहिए कॉस्ट प्राइस कितना था हंड्रेड तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा दो सौ सोलह रुपए कितना हो जाएगा दो सौ सोलह रुपये कॉटेट येस और नो चलिए नेक्स्ट अगला सवाल ईरा वन ट्रेडर कैलकुलेट्स द प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज ऑन द बाइंग प्राइस एंड अंदर कैलकुलेट्स ऑन द सेलिंग प्राइस अच्छा एक जो है वो कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करता है दूसरा जो दूसरा है वो कैलकुलेट करता है किस पर सेलिंग प्राइस पर ठीक है एक करता है कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस पर एक करता है सेलिंग प्राइस पर ठीक है चलिए अब उसके बाद कहा जाता है क्या कहता है कहता है कि उनके जो एक्चुअल है मतलब प्रॉफिट है जो उनके एक्चुअल उसमें डिफरेंस आ रहा है कितने का डिफरेंस आ रहा है पचास रुपए का डिफरेंस आ रहा है और दोनों ही क्लेम कर रहे हैं कितना प्रॉफिट बीस परसेंट प्रॉफिट अच्छा देखो बीस परसेंट प्रॉफिट बीस परसेंट का मतलब क्या होता है वन बाई फाइव वन बाई फाइव यानी कि ये एसपी पर कैलकुलेट कर रहा है तो ये उसका प्रॉफिट हो गया तो सीपी कितना रहा होगा छोटे सीपी कितना रहा होगा छ दूसरा भी बीस परसेंट कैलकुलेट करता है वन बाई फाइव पर लेकिन वो सीपी पर कैलकुलेट करता है एक प्रॉफिट तो एसपी कितना रहा होगा छ है ना आ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट यहां चार रहा होगा क्योंकि चार पर एक का प्रॉफिट तभी पांच का बिकेगा अच्छा दोनों बार आर्टिकल का सीपी तो सेम होना चाहिए ना बट यहां सेम नहीं है क्योंकि आर्टिकल तो एक ही है सीपी सेम करना पड़ेगा तो पांच का इसमें मल्टीप्लाई किया अब कॉस्ट प्राइस पांच गुना हुई तो सेलिंग प्राइस भी पांच गुना और प्रॉफिट भी पांच गुना सीपी यहां पर अगर यहां पर पांच है तो हमें चार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी ये बीस होगा तो यहां पे भी चार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहां पर भी अच्छा यहां प्रॉफिट कितना हो रहा है यहां प्रॉफिट हो रहा है पांच का और यहां प्रॉफिट कितना हो रहा है यहां पर प्रॉफिट हो रहा है चार का प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है पांच और चार के बीच में डिफरेंस कितना है एक और यहां पर कितना है एट्टी फाइव तो एक की वैल्यू एटी फाइव वट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच तो दोनों का सेलिंग प्राइस बताओ यहां पर सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है ट्वेंटी फाइव यूनिट ये रहा तो एट्टी फाइव का इसमें मल्टीप्लाई कर दो और यहां सेलिंग प्राइस निकालोगे तो कितना आ रहा है ट्वेंटी फोर तो ट्वेंटी फोर इंटू एट्टी फाइव इसका इतना बनेगा इसका इतना बनेगा दोनों का आंसर आप निकाल सकते हो ठीक है दोनों का आंसर निकाल सकते हो चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं अगला सवाल ये रहा अ पर्सन सोल्ड अ टीवी फॉर नाइनटीन फोर हंड्रेड ही पर्टिकुलर ही लॉस्ट अ पर्टिकुलर अमाउंट वेन ही सोल्ड अनदर टीवी ऑफ सेम टाइप अगर इसी तरीके का दूसरा टीवी बेचता है तो उसको दस छह सौ रुपए का गेन होता है हिस्स गेन वॉज डबल द फॉर्मर लॉस मतलब गेन जो है प्रॉफिट जो है वो दो गुना है किसका लॉस का अच्छा नाइन्टी फोर हंड्रेड पर बेचने पर अगर मैं लॉस को एक्स मान लू तो गेन मेरा टू एक्स हो जाएगा नाइन्टी फोर हंड्रेड बेचने पर एक्स का लॉस हो रहा था अगर मैं उसको दे देता हूं तो उसके पास क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस दूसरी तरफ 10 600 में बेचने पर उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट कितने का 2x का अगर मैं उससे छीन लूं तो उसके पास सिर्फ कॉस्ट प्राइस बचेगा और दोनों कैसे हो जाएंगे बराबर इसको इधर बेच दो 3x और इसको इधर बेच दो कितना हो जाएगा 600 और 600, 600 1200 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 आपको क्या पूछा है कॉस्ट प्राइस तो यहां रख दो 400 तो 9400 प्लस 400 कितना हो जाएगा 9800 और ये रहा आपका आंसर ठीक है बोलो हाँ या ना चलिए नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 5% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस एक आदमी जो है किसी आर्टिकल को 5% अबव बेचता है अपने कॉस्ट प्राइस से ठीक है 5% अबव बेचता है कॉस्ट प्राइस से अगर वो इसे खरीदता है 5% लेस में व्हाट ही पेड फॉर इट मान लो 100x का उसने खरीदा था 5% अबव बेचता है कॉस्ट प्राइस से तो 105x का बेचता है अब कहता है अगर मान लो वो पांच परसेंट लेस में खरीदता यानी कि 95x फाइव एक्स का खरीदता और दो रुपए कम में बेचता दो रुपए कम में बेचता ही वु गेंद टेन परसेंट तो उसको दस परसेंट फायदा होता तो नाइनटी फाइव पे नाइन पॉइंट फाइव हो जाएगा यानी कि मैं कह सकता हूं वन जीरो फोर पॉइंट फाइव एक्स कितना कम हो गया यहां पर जीरो पॉइंट फाइव एक्स तो जीरो पॉइंट फाइव एक्स की वैल्यू दो रुपए है एक्स की वैल्यू दो बटे जीरो पॉइंट फाइव पॉइंट हटाओ जीरो बढ़ा लो चार आ जाएगा X की वैल्यू चार तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है हंड्रेड एक्स तो कितना आ जाएगा चार सौ यानी कि बी ऑप्शन आपका आंसर बी ऑप्शन आपका आंसर होगा सही है चलिए नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा अ शॉपकीपर बॉट टू हंड्रेड आर्टिकल्स ईच कॉस्टिंग द सेम सेम कॉस्ट आता है ही सोल्ड थर्टी परसेंट ऑफ द आर्टिकल तीस परसेंट आर्टिकल बेचता है तीस परसेंट आर्टिकल बेचता है वो बीस परसेंट प्रॉफिट पर ठीक है एंड रिमेनिंग एट टेन परसेंट प्रॉफिट भाई देखो थर्टी परसेंट आर्टिकल थर्टी परसेंट आर्टिकल उसने बेचे हैं बीस परसेंट प्रॉफिट पर तो यहां उसके पास छह सौ परसेंट आ गया और बचे हुए सत्तर परसेंट वो बेचता है कितने में 10% प्रॉफिट में तो यहाँ आ गया 700% तो टोटल कितने 100% 100% में किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि ओवरऑल कितना आ रहा है यहाँ पे 7 और 6 1300 1300 आ जाए मतलब सीधी सी बात है 13% तभी तो तो ओवरऑल उसको 13% का प्रॉफिट हुआ 13% का प्रॉफिट हुआ और वास्तव में कितने का हो रहा है 2600 का तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1% की वैल्यू हो जाएगी 200 तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल पूछ रहा है तो प्रत्येक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है दो सौ तो आ रहा है तभी तो आएगा एक आर्टिकल का ही निकाला है मैंने तभी तो वन का निकाला है ठीक है क्योंकि हंड्रेड परसेंट आर्टिकल है ना हंड्रेड में एक परसेंट का मतलब एक आर्टिकल समझना इस बात को एक परसेंट पर ही क्यों छोड़ दिया क्योंकि तीस परसेंट ये रहे सत्तर परसेंट ये रहे यानी कि टोटल हंड्रेड परसेंट आर्टिकल का मतलब एक परसेंट का मतलब हो जाएगा एक आर्टिकल नेक्स्ट अगला क्वेश्चन एन आर्टिकल इज लिस्टेड एट हंड्रेड रुपीज इज सोल्ड एट सक्सेसिव डिस्काउंटीन परसेंट पच्चीस और पंद्रह परसेंट का डिस्काउंट मिलता है डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट वट वट वुड बी हिज लिस्ट प्राइस तो उसकी लिस्ट प्राइस क्या होगी तो उसकी लिस्ट प्राइस क्या होगी तो उसका लिस्ट प्राइस बताइए कितना हो जाएगा आठ सौ का आइटम है पच्चीस परसेंट और पंद्रह परसेंट के दो डिस्काउंट पर है ठीक है लिस्टेड एट एट हंड्रेड इज सोल्ड एट और बेचा गया है आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है अगर बायर खरीदना चाहता है उसको बेचना चाहता है बीस परसेंट के प्रॉफिट पर आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट तो व्हाट वुड बी हिज लिस्ट प्राइस अच्छा देखो पंद्रह तारीख को बहुत कुछ खास होने वाला है जिसको नहीं पता मैं दिखा देता हूं एक बार देखो फटाफट वीडियो ये एक असिस्टेंट कमांडेंट है जो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं पंद्रह तारीख को ज्वाइन करने का मतलब है इनका इंटरव्यू आ रहा है ठीक है ना तो कुछ खास है आप लोग जब देखोगे तब आप लोगों को मजा भी आएगा देखने में और पसंद भी आएगा ठीक है तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को देकर जा रहा हूं होमवर्क और अभी जस्ट मुझे यूपी निकलना है बट हाँ कल रात दस बजे क्लास जरूर होगी और लाइव होगी पूरा एक घंटे या डेढ़ घंटे की क्लास हम कल रखेंगे ओके सो अभी मेरे बेटे की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो ए ट्रेंडम मुझे निकलना पड़ रहा है वहां पे कोई डॉक्टर उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा उसको लूज मोशन और वॉमिटिंग मतलब हद से ज्यादा हो रही है जो चीज मुझे थोड़ा सा डराव रही है अब कहीं डिहाइड्रेशन ना हो जाए कोई प्रॉब्लम ना बन जाए तो इतनी सारी फैसिलिटीज वहाँ है नहीं सो मुझे लगता है कि मुझे जल्दी यहाँ से उसको लेके आना चाहिए ठीक है तो प्यारे बच्चों कल मिलते हैं आप लोगों से रात में दस बजे तब तक के लिए सभी को जय हिंद और इसी के आगे हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं ठीक है थैंक यू सो मच जय हिंद